ओम शांति। तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। देखो कितने दिन हो गए हैं बाबा दैवी गुणों पर ही समझा रहे हैं, क्योंकि सब लॉकडाउन में अंदर हैं और जो जितना गुणों में है वो उतना व्यवहार में सरल और शीतल होगा। बातें तो बहुत आएंगी, तो बातों को अगर गांठ पकड़ के और ये सोचे कि अरे हमने तो चुप रहना है, शांत रहना है, हमने तो किसी को कुछ नहीं कहना, तो बातें तो अंदर स्टोर हो रही हैं। इससे बेटर है कि उसके पास जाकर उससे पूछकर क्लियर कर लिया जाए। किसी की बात किसी के कान में आई, ओके, फिर हमने क्या किया, चुप हो गया। भगवान जानता है मैं कैसे हूं, वो कैसा है, ये है, भगवान जानता है। अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो अभी पीछे की मुरलियां भूल गए क्या कि बाबा जानी जाननहार नहीं है। तुमने बाप को बताया लेकिन तुम्हारे संकल्पों में कितना तूफान है। तूफान शांत तभी हो सकता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। नहीं, ये वाला कभी आपने सोच के देखा है? उसमें आप बड़े महान बन जाते हैं ये सोच के कि हम तो ठीक हैं, हम क्यों अपने आप को सिद्ध करें। यहां सिद्ध या जिद की बात नहीं है। तो व्यवहार में आई मिसअंडरस्टैंडिंग को जब तक दूर नहीं करोगे शीतल कहां से होगी। प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा होता है, इसने आपको कुछ कहा, उसने आपको कुछ कहा, लेकिन आपने इनसे ना कहा, तीसरे से कहा, फिर तीसरे ने चौथे से कहा, अब चौथे ने आकर फिर से आपसे कुछ कहा। अब बताओ ये जो सर्कल चलाया है इसको, सर्कल को तोड़ दो, चारों इकट्ठे बैठो एक स्थान पे, अब पूछो किसने किसको क्या कहा। जब आपका ये व्यक्तित्व तो बन जाएगा तो कोई आपके पीठ पीछे बात नहीं कर पाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि घूम फिरा के बात आप तक आएगी और आप फिर से बिठा दोगे। प्रैक्टिकल ये थ्योरी होती है। चारों बैठो और प्यार से बात करो, शांति से, कि बात क्या थी, बड़ी शांति से बात करनी, सिचुएशन को वहीं सॉर्ट आउट। अब किसका क्या होता है छोड़ दो, अब समस्याएं यही है। रीजन कि हर एक को लगता है बातें करने में जिसका जितना इंटरेस्ट होगा, जितना जिसको सुनाने में होगा, वो घूम फिरा के बात करेगा। अगर आपका नहीं होगा तो आप साफ स्पष्ट बात करने वाले हो। और यहां पे लड़ना नहीं है पर स्पष्ट कर देना है, तो ना उनके पेट में कुछ रहेगा ना आपके पेट में कुछ रहेगा, और व्यवहार कैसा हो जाएगा बताओ। ओपन सॉर्ट आउट। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं करता। उस समय समझ लेते हैं हमें शांत रहना, पर शांति कौन सी, मन तो शांत नहीं है, मन में तो विचार चल रहे हैं, किसने कैसे क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों कहा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इन्हीं बातों में आपका रमन चल रहा है। तो बताओ कैसे शांति आई। अब चारों दिशाओं में सब घर में बैठे हैं, सबके अंदर यही चल रहा है तूफान, किसने किससे क्या कहा, उसने उससे ये कहा, इसने उससे ये कहा। प्यार से बैठो, प्यार से सॉल्व कर लो। प्यार भी कोई चीज होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी वही चीज होती है, तो जहां से ये बीज डला है वहीं से शुरुआत कर लो। और आपस में ऐसा नहीं एक एक के साथ करो, बैठ के आराम से मीटिंग करो, 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। तो 15 मिनट में जब बात खत्म हो सकती है तो 15 दिनों की स्टोरेज तुम्हें क्या से क्या बना सकती है, सब कुछ तहस नहस कर सकती है। इसीलिए हर एक अच्छा बनना चाहता है पर बन नहीं पाता, क्योंकि वो रावण के राज्य में है। इसे ये सोचना कि हमने कुछ नहीं किया, उसने किया, इन सब चक्रों में मत जाओ। क्या करो, रावण राज्य में समझो कि किसी के अंदर दैवी गुण नहीं है, पर हम बाप की गोद में, तो हम रॉयल बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। तो कैसे करोगे, व्यवहार को अच्छा बनाओ। अच्छा, ओम शांति।